good morning students i hope you are all fine take out your science copies and today we are going to do the copy work of science so write date and day on your new page today is 26 8 2020 write classwork and the day is wednesday lesson number nine what are things made up of question mark answer these questions full stop and draw a straight margin nine ओके सो आज हमारा कॉपी वर्क है कॉपी वर्क के लिए आप लोगों को नीट एंड क्लीन काम करना होगा क्वेश्चन नंबर वन आपका क्या है वेयर डू वी गेट मेटल्स हम मेटल कहाँ से लेते हैं तो हमने पढ़ा कि वी गेट मेटल्स क्वेश्चन से ही आ जाएगा वी गेट मेटल्स फ्रॉम अर्थ यानी हम जमीन से ही क्या लेते हैं मेटल्स क्वेश्चन नंबर टू वे टू वी गेट प्लास्टिक हम प्लास्टिक कहाँ से लेते हैं तो प्लास्टिक हम अर्थ से नहीं बल्कि हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं ठीक है वी गेट प्लास्टिक फ्रॉम फैक्ट्रीज कहाँ से लेते हैं जी फैक्ट्रीज से क्वेश्चन नंबर थ्री नेम द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ग्लास अब उन्होंने कहा है उन चीज़ों के नाम बताएं जो कि ग्लास से बनी है ठीक है तो ग्लास से बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनमें से कुछ दो के नाम लिख लें जो भी आपको ईजी लगते हैं विंडो पेंस एंड वाटर ग्लासेस आप यहाँ जब भी लिख सकते हैं आप डिशेस भी लिख सकते हैं ठीक है आर मेड अप ऑफ ग्लास सो हमने साथ विंडो पेंस बना दी और साथ हमने क्या बना दिया ग्लास क्वेश्चन नंबर फोर व्हाई डू वी नीड रबर हमें रबर क्यों चाहिए होता है ठीक है तो हमें रबर बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए है. कैसे वी नीड रबर टू मेक टायर्स हमें टायर्स बनाने के लिए चाहिए होता है ठीक है गाड़ियों के लिए टायर चाहिए मोटरसाइकल्स ट्रक के लिए टायर्स चाहिए है. फुटबॉल्स ठीक है खेलने के लिए फ़ुटबॉल हमें चाहिए तो फुटबॉल किसके बनती है रबर से एंड रबर बैंड्स तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमने साथ बना लिया टायर एंड फुटबॉल क्वेश्चन नंबर फाइव इज पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट टिक सही है ट्रू है उसके टिक लगाएं और जो गलत है उसके आगे क्रॉस क्वेश्चन नंबर वन वट कैन बी पेंटेड एंड पॉलिश के वुड यानी जो लकड़ी है आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम पेंट भी कर सकते हैं और पॉलिश भी कर सकते हैं येस yes, हम इस दोनों चीज़ें कर सकते हैं सो ये क्या आ गया टिक ब्रैकेट में लगाएं बेशक बॉक्स बना के आप उसमें लगा दें पार्ट नंबर टू टॉयज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक जो टॉयज आप बहुत सारे बच्चों को टॉयज से खेलने का शौक़ है तो वो टॉयज किससे बने हैं जी प्लास्टिक से ज़्यादातर टॉयज जो है वो किससे बने हैं प्लास्टिक से सो हमने क्या कर दिया टिक रबड़ कैन नॉट बी स्ट्रैच स्ट्रैच मतलब जिसे खींचा जा सके ठीक है स्ट्रेच मीन्स खींचा जा सके अब इस पेपर को मैं ज़रा सा खींचूंगी ये फट जाएगा लेकिन रबर बैंड को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे रबर को तो वो एकदम नहीं टूटता तो उन्होंने कहा रबर को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते कर सकते हैं जी तो हमने क्या कर दिया क्रॉस पार्ट नंबर फोर ग्लास कैन ब्रेक ईजीली क्या ग्लास ग्लास के ग्ला, जो आप ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर ग्लास जग इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है वो आसानी से टूट जाते हैं हाँ जी यस yes, आसानी से उन्हें तोड़ा जा सकता है नंबर आयरन नॉन मेटल आयरन नॉन मेटल है नो no, आयरन एक मेटल है ठीक है मेटल्स बहुत से तरह के हैं जिसमें एक उसका नाम क्या है आयरन तो आयरन क्या है मेटल तो हमने क्या कर दिया क्रॉस सो so ये आपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी पे उतारनी है टीक क्यूर फ्यर सेल्फ अल्लाह हाफिज